बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम देख रहे थे सप्लाई ऑफ मनी को, और आज के दिन का टॉपिक हमारा इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन की डिस्कशन वी विल लाइक टू स्टार्ट। इन्फ्लेशन क्या होती है? Rise in prices, yes. Persistent increase in general price level is called inflation. Persistent, continuous ho rahi ho. Inflation, ye nahi ke jee ke aaj kuch 4 saal ke baad agar price jaun si hai wo 2 rupaye badh gayi hai, hum usko kahenge inflation hai. Inflation hamari economy ke andar aapki persistent increase in general price level. इन्फ्लेशन का ये मतलब भी नहीं है कि आपकी तमाम प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं। हम यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं कि एवरेज आउट होके हमें प्राइसेस के अंदर इजाफा नजर आ रहा हो। इन्फ्लेशन को मेजर किस तरह किया जाता है? हाउ इन्फ्लेशन कैन बी मेजर्ड? इन्फ्लेशन को मेजर किस तरह कर सकते हैं? इन्फ्लेशन को मेजर करने का जो मशहूर जमाना तरीका है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए से, सीपीआई जिसको कहते हैं, सीपीआई दैट मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आप अगर किसी से पूछना हो कि इन्फ्लेशन कितनी है तो आप कह सकते हैं कि जी के सोना पिछले साल इतने का था, इस साल सोना इतने का हो गया, तो प्राइस में इजाफा कितना हुआ कंपैरिजन करके पिछले साल से इस साल में। आप कंपैरिजन किया, 100 रुपये का सोना था, इस दफा 110 रुपये का हो गया, तो आपने कहा 10% प्राइसेस राइज कर गई हैं। ऐसे ही है ना, कंपेयर करने का, प्राइसेस को कंपेयर करने का तरीका तो यही है। लास्ट ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस, दोनों के दरमियान में कंपैरिजन कर लें, आपको परसेंटेज चेंज नजर आ जाएगी। लेकिन ये तो सादा सादा था, एक आइटम के लिए तो आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी के अंदर तो एक आइटम नहीं है, इकोनॉमी के अंदर एक आइटम तो नहीं है, इकोनॉमी के अंदर एक से ज्यादा आइटम है। तो हम इकोनॉमिस्ट भाइयों ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि आप इस तरह कीजिए कि आप वो, हम आपको ये एक तरीका बता देते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, इस तरीके के जरिए से आप एक जो आपकी रेलिवेंट बास्केट ऑफ प्रोडक्ट जो कंज्यूमर्स को इफेक्ट करती है, आप उसमें रोल्स राइस की प्राइस ना डालें, आप उसमें कोई हाई फाई जो वॉचेज हैं उसकी इफेक्ट ना डालें, जो कंज्यूमर को इफेक्ट करने वाली प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स की एक बास्केट बना लें, अ बास्केट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमर्स को इफेक्ट करने वाली, जनरल कंज्यूमर्स को इफेक्ट करती हैं, जनरल कंज्यूमर्स को जो इफेक्ट करती है। आप रॉकेट की कीमत उसमें नहीं डालेंगे कि रॉकेट पिछले साल इतना से था और इस साल, भाई रॉकेट का जनरल कंज्यूमर के साथ क्या ताल्लुक है? जनरल कंज्यूमर को कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं? आटा कितना था, दालें कितनी थी, पेट्रोल क्या था, चीनी की कीमत क्या थी, गैस की कीमत, यूटिलिटीज, रेंट कितना था, स्कूल की फीसिस कितनी थी, ये
ऐसी चीजें हैं खाने पीने की, रहाइश की, आपकी कपड़ों की, जो कि आपको हर जनरल कंज्यूमर को इफेक्ट करती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह कीजिए कि एक बास्केट ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लीजिए और उस बास्केट ऑफ प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं उसके अंदर वेरिएशन को नोट करना और उन वेरिएशंस के जरिए से यू विल बी एबल टू मेजर द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मेजर करना आपके लिए तब रेलिवेंट होगा जब आप बास्केट ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसके जरिए से आप उस प्राइसिस उन प्राइसिस के अंदर जो वेरिएशन आई है उससे आपको अंदाजा हो सकेगा कि आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हुई है या डिफ्लेशन हुई है या कॉन्स्टेंट प्राइसिस रही है। क्लियर है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पहली बात तो हमें यह समझ आई कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर आपको एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स, बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करनी है। जब वो बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें बेस ईयर का ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। बेस ईयर स्टैट्स में आपने पढ़ा होगा, स्टैट्स में पढ़ा होगा बेस ईयर, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर आपने पढ़े होंगे किसी वक्त, याद है? इंडेक्स नंबर जी, इंडेक्स नंबर में क्या करते थे कि हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज होती थी, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, और वो बेस ईयर की वैल्यूज को हम आइडेंटिफाई कर लेते थे। बेस ईयर की वैल्यूज को हम आइडेंटिफाई कर लेते थे और फिर इस बेस ईयर के साथ हम अगले सारे ईयर्स को कंपेयर करते थे। ऐसा ही था बेस ईयर, आप बार बार बेस ईयर चेंज, अगर बेस ईयर चेंज कर लें तो फिर आपकी जो रेलिवेंसी है, आपके रिजल्ट्स की जो इंटरप्रिटेशन है वो आप अच्छी नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1, 2, 3, 4 हमने कहा ये 3, 4, 10 आ गया और यहाँ पे हमने कहा ईयर 2001 समथिंग जो भी था इसमें 2, 3, 4, 5 हो गया तो अब 9, 3, 12, 14 हो गया और ईयर 2 आया तो इसमें 4, 5, 6, 5 ये हो गया, 5, 10, 6 और 20 फॉर एग्जाम्पल ये 20 हो गया। तो अगर आप 20 को कंपेयर करेंगे 14 के साथ तो डिफरेंट कुछ और आया और अगर आप 20 को कंपेयर करेंगे 10 के साथ तो डिफरेंस कुछ और होगा। आपकी इंटरप्रिटेशन, आपकी जो इंक्रीज इन प्राइसेस है वो कुछ और होगी। ऐसा ही है ना? तो इंडेक्स नंबर में क्या करते हैं कि इंडेक्स नंबर में आप बेस ईयर कांस्टेंट कर लेते हैं कि बेस ईयर वाज दिस, उस बेस ईयर के साथ आप कंपैरिजन करते जाते हैं। इसमें 14 होगी तो हम कहेंगे 40% इंक्रीज आ गई प्राइसेस के अंदर और इसमें 10 से 20 हो गया तो हम कहेंगे हमारा सीपीआई इज 100 और सीपीआई को कैलकुलेशन आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेशन किस तरह से करते थे? इंडेक्स नंबर आप कैलकुलेशन करते थे करंट ईयर माइनस बेस ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर भी करते थे ना, मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे। इधर आ जाए करंट ईयर फॉर एग्जांपल 20 एक्स 1 के लिए 14 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100
140. करंट ईयर में से बेस ईयर को किया, चेंज आई फोर, फोर डिवाइडेड बाय फोर, 40 आया जी। अच्छा जी, क्या आंसर क्या आ रहा है इसका? आंसर 40। एंड आपसे कोई पूछे कि इस साल का बेस ईयर क्या है, तो बेस ईयर में 100 रहेगा, 100 इंडेक्स है, अगर बेस ईयर विल रिमेन 100, बेस ईयर विल रिमेन 100 एंड योर करंट ईयर इज 140। 40 क्यों हो गया? क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 10 वाज 100, आप बेस ईयर 100 के ऊपर रखेंगे हमेशा। क्लियर है? तो आपको 140 इंडेक्स नंबर की टर्मिनोलॉजी के अंदर आप बात करेंगे, तो इंडेक्स नंबर ऑफ 20x1 इज इक्वल टू 140 हम कहेंगे इंडेक्स में। इंडेक्स नंबर की टर्मिनोलॉजी के अंदर हमने बेस ईयर को 100 कहना है, बेस ईयर विल बी 100। अंडरस्टैंड और साइकिल स्टैंड और नॉट स्टैंड? और इसी तरह से जो 20x2 है, इसके बेस ईयर को, बेस ईयर के मुताबिक इंडेक्स नंबर को हम 200 कहेंगे। 100 था 10 के ऊपर, 20 के ऊपर 200 हो जाएगा, इसको बेस ईयर के मुताबिक, इंडेक्स नंबर के मुताबिक हम 200 कहेंगे। अच्छा, ये तो बात आ गई, चले कि जनाब ये आपने इंडेक्स नंबर आइडेंटिफाई कर दिए, 200 हो गया, 140 हो गया और 100 हो गया, ये इंडेक्स नंबर के हवाले से बातें आ गई हमने, ये पहले जो आपने स्टडीज की हुई है उसी के बेस के ऊपर। लेकिन इन्फ्लेशन किस तरह से कैलकुलेट होगी? इन्फ्लेशन इस तरह नहीं है कि जी कि ये 40% हो गई, ये इन्फ्लेशन तो ईयर टू ईयर बेस पे होती है ना, इंडेक्स नंबर बेस ईयर की बेस के ऊपर होता है। लेकिन इन्फ्लेशन तो होता है कि पिछले साल से इस साल आपकी कितनी वैल्यू बढ़ गई है, ऐसा ही होती है ना इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ये तो नहीं कहते कि 1980 से और 2018 के दरमियान में इतनी इन्फ्लेशन हो गई है। इन्फ्लेशन की फिगर, इन्फ्लेशन की वैल्यू पर एनम के हिसाब से होती है, पिछले साल से इस साल के दरमियान की होती है। तो इंडेक्स नंबर आप कैलकुलेट करेंगे रूटीन के मुताबिक और करेंगे लास्ट ईयर और करंट ईयर, बेस ईयर की बात अब आप छोड़ देंगे। इंडेक्स, आप इंडेक्स नंबर्स आपके पास हैं लास्ट ईयर का, फॉर एग्जांपल हमारे पास आप करंट ईयर 200 माइनस 140 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इन्फ्लेशन विल बी लाइक दिस, कैलकुलेट कर लें। इन्फ्लेशन 42.86%, ये कैलकुलेशन है। सिर्फ हम मेजरमेंट की बातें कर रहे हैं, अभी हम डिटेल में नहीं गए, अभी हमने सिर्फ इंडेक्स नंबर को, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उस इंडेक्स नंबर के हवाले से चीजें पढ़ी, उसको देखा कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, इंडेक्स नंबर में बेस ईयर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। बेस ईयर आपकी 100 वैल्यू को डिटरमिन करता है, उस बेस ईयर से आपकी वैल्यू 100 से अबव और ऊपर और नीचे जा रही होती है। बेस ईयर को अगर आप चेंज कर दें तो आपके इंडेक्स नंबर विल गिव अ डिफरेंट रिजल्ट। अगर हम कहें कि 20 इज आवर बेस ईयर, दिस इज 100, तो क्या होगा, 10 विल बिकम 50, 10 जो अंश है ये 50 की क्लास बन जाएगा। बेस ईयर चेंज करने से आपके इंडेक्स नंबर की वैल्यू चेंज हो जाती है, क्लियर है, और आपका कंपैरिजन चेंज हो जाता है। और
बेस ईयर के से जो या इंडेक्स नंबर से जो हमारे पास फिगर्स आ रही हैं उनको ईयर टू ईयर बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं तो हम अपनी वैल्यू इन्फ्लेशन की ढूंढ पाते हैं। यहां पे देखते हैं जी, ए कॉन्टिन्यूस और परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, ए प्राइस चेंज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, वो रियल रेट हमने नॉमिनल जो विदाउट एडजस्टमेंट है अनएडजस्टेड, ये हमने चीजें देखी हुई है पहले। मेजरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को मेजर करना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से करें, ए मेजर ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस, ये मैं फोकस करना चाह रहा हूं, ऑफ ए बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। अब जनाब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ गया, आपने कहा जी कि बहुत अच्छी बात है सीपीआई, आपने बास्केट ऑफ गुड्स देखा, आपने कहा फूड आइटम्स, शेल्टर, क्लॉथिंग, डिफरेंट आइटम्स हैं। अब वेटेड एवरेज आपको लेनी है, आपको वेटेड एवरेज का भी कॉन्सेप्ट है ना, वेटेड एवरेज कितनी जिसकी इंपॉर्टेंस है उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस इधर देनी है। फूड के अंदर आपके कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी कुछ मीट प्रोडक्ट्स हैं, आपकी कुछ वेजिटेबल्स हैं, आपके कुछ दालें और आपकी जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं पोल्ट्री आइटम्स हैं सारे, तो ये डिफरेंट आपके पास। अब जो आपने बास्केट इकट्ठी की है जिसके अंदर आपने डिफरेंट प्रोडक्ट किए हैं उसको ये सारी प्रोडक्ट्स उसके अंदर रिप्रेजेंट हो रही होंगी कहीं ना कहीं। डेली प्रोडक्ट के अंदर हम दूध की कीमत, दही की कीमत, मक्खन की कीमत शायद हम आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, लेकिन वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज क्या कि आपकी जो इकोनॉमी के अंदर दूध का इस्तेमाल कितना है, आपके कंज्यूमर्स की इनकम में से कितना हिस्सा दूध के ऊपर वो स्पेंड करता है, उसके मुताबिक आप उसको वेटेज देंगे। विदाउट दैट वेटेज आपकी जो बास्केट है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड निकालूं, मैं कहूंगी कि डेयरी की कीमत थी 100, मीट की थी 200, वेजिटेबल की थी 300, तो ये क्या होगा, मैं कहूंगा 300 डिवाइडेड बाय 3 किया तो मेरे पास 200 की एक एवरेज आ जाती है। दैट विल बी इफ फूड की स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट वेटेज एवरेज निकालूंगा तो 200 आ जाएगी क्योंकि डिवाइड बाय 3 इक्वल वेटेज दे दूंगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि कंज्यूमर वेजिटेबल्स के ऊपर 20% खर्च करते हैं, मीट के ऊपर 30% खर्च करते हैं और डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल 50% खर्च करते हैं, तो क्या होगा, अब मुझे वेटेड एवरेज इसी देनी है 50, 60 and then 60, 120, 170 और अब मेरी एवरेज चेंज हो जाएगी, एवरेज करें 170 डिवाइड बाई 3 कर दें 57 भी आ जाएगी। इम्पैक्ट देखें कितना बड़ा आया वेटेज देने से, कि आपने सिर्फ जो मेजर आइटम थी उसका 20% आपकी कंजम्पशन के अंदर इस्तेमाल होता है, तो आपको एवरेज के अंदर यू नीड टू एडजस्ट फॉर दैट, इफ यू डोंट एडजस्ट यू विल नॉट गिव अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन। अगर इसकी कीमत 300 की बजाय जाए तो कंज्यूमर को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से जब सीपीआई के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं तो सीपीआई में वी टेक वेटेज ऑफ ईच आइटम और उसकी कंजम्पशन की के अंदर इंपॉर्टेंस की बेस के ऊपर हम उसको अपने कैलकुलेशन के अंदर लेते हैं। जैसे आप यहां पे देखें
ये हमारे पास एक एग्जांपल है. एग्जांपल में इंडेक्स उसने दिया 106. अब 106 का मतलब क्या है कि जनाब फूड के अंदर जो पोल्ट्री, जो वेजिटेबल, जो मीट और जो बाकी प्रोडक्ट्स थी, उन सब की को जब हमने बेस ईयर के साथ उनकी प्राइसेस को कंपेयर किया तो बेस ईयर कंपैरिजन के बाद हमारे पास इंडेक्स, वेटेड प्राइस इंडेक्स आपके पास 106 आ रहा है. फूड डज नॉट मीन के एक चीज, फूड के अंदर फिर जो बाकी सारी चीजें उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है. सीपीआई क्रिएट करने के लिए हमें इंडिविजुअल आइटम्स को कैलकुलेट करने देखना पड़ता है, उनकी वैल्यूज, प्राइसेस लास्ट ईयर की, इस ईयर की, बेस ईयर की, और उनके साथ उनकी बेस पर हमारा इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होता है फॉर ईच आइटम. देन फिर दोबारा वेटेज आ जाती है. वेटेज क्या है? वही बात कि फूड का कितना आपकी कंज्यूमर्स कितना हिस्सा फूड के ऊपर स्पेंड करते हैं अपनी कंजम्पशन का, कितना शेल्टर पे स्पेंड करते हैं, कितना क्लोथिंग पे करते हैं, कितना. तो वेटेज इज ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पोर्टेंस, वो आपकी इम्पोर्टेंस कितनी है. उसी की बेस के ऊपर हमने क्या किया, प्राइस इंडेक्स हम क्या करते थे, एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स W summation of XW, WX divided by W. वेटेज निकालने के लिए क्या करते थे, ये summation of W, summation of XW divided by summation of W. तो वो आपकी वेटेड एवरेज निकलाती थी. यही काम किया, प्राइस इंटू वेटेज, वेटिंग ये उसने निकाला इक्वेशन के लिए. ये आपके पास ये आ गया 102.99 CPI index, weighted CPI index for this current year is 102.99. लेकिन वो कहता है यहाँ पे आपने बहुत एहतियात करनी है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी inflation 102.99 के मतलब समझें कि 2.99 आपकी inflation हुई है. नहीं भाई, क्यों? क्योंकि आप जो weight इंडेक्स नंबर के अंदर बेस ईयर इस्तेमाल कर रहे थे वो होता क्या आपका लास्ट ईयर ना हो, वो बेस ईयर आप कोई और यूज कर रहे थे. तो इसलिए आपको सिर्फ सीपीआई अगर दिया जाए तो उससे आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते. लास्ट ईयर और करंट ईयर का सीपीआई दिया जाएगा तो उससे आप कैलकुलेट कर पाएंगे. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी, वैसे रिवेटेड प्राइस इंडेक्स आफ्टर द नेक्स्ट ईयर इज 106, 106 था. अब वो आप दोबारा ये मत समझिएगा कि 6% इन्फ्लेशन इंक्रीज की है. पिछले साल 103 था, एक दफा 106 है. तो दैट मीन्स 106 माइनस 103 मल्टीप्लाई बाय 100 2.91% इस ईयर के अंदर इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ, इन्फ्लेशन हुई है 2.91%. क्लियर है? सीपीआई सादा सा है लेकिन स्टूडेंट्स को क्योंकि हमारी रूटीन के इस्तेमाल की चीज़ नहीं है, समझ नहीं आती कि जी के कैसे हो रहा है, बेसिक क्या है. एक बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कीमतों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनकी कीमतों को हम बेस ईयर के साथ इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उन इंडेक्स नंबर को डिफरेंट ईयर्स के इंडेक्स नंबर को आपस में कंपेयर करके हम इन्फ्लेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं. पाकिस्तान में अगर कहते हैं ना कि हमारी 6% इन्फ्लेशन रेट है तो हम क्या करते हैं कि इंडेक्स नंबर जो हमारे पास करंट प्राइसेस, शायद हमारी बेस ईयर 1980 का बेस ईयर होगा, जो भी बेस ईयर को आइडेंटिफाई किया हुआ उसके साथ हमारी करंट प्राइसेस को कंपेयर करते हैं. और लास्ट ईयर भी इसी तरीके के साथ हमने करंट प्राइसेस को बेस ईयर के साथ कंपेयर किया हुआ था, उससे जो इंडेक्स निकलता है दोनों सालों का उनको आपस में कंपेयर करते हैं और उसकी बेस के ऊपर हम इन्फ्लेशन की फिगर बताते हैं. परसेंटेज में 6% है, 7% है, 8% है, 9% है. दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी थ्रू द यूज ऑफ सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. क्लियर हो गया? अब लिमिटेशन ऑफ सीपीआई, कई दफा ये क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है, व्हाट आर द लिमिटेशन, व्हाट आर द
methods used for the measurement of the inflation and what are the limitations. Limitations are not fully representative. क्योंकि एवरेज है, एवरेज क्या होती है, एवरेज होने की वजह से ये फुली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. आपकी हो सकता है कि प्राइसेस हम के इन्फ्लेशन हुआ जी 6%, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस 6% इंक्रीज कर गई हैं. कैसे ये मतलब है कि दूध जो था पहले 100 रुपए का अब 106 का हो गया है, जो आपकी माचिस थी वो भी 6% बढ़ गई है, जो आपकी बिजली है वो भी 6% बढ़ गई है जी. क्योंकि एवरेज है, तो एवरेज क्या होती है, कम ज्यादा 1, 2, 3, इनको एवरेज करना तो क्या करेंगे, 6 divided by 3, 2. अब ये कहें कि ये भी 2 है, 2 और 2, और ये मिलकर 6 बना हुआ है, तो ऐसे गलत होगा. आप इस आंसर से, इस एवरेज से ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि तमाम वैल्यूज सेम है, यही है, ये नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है. हाँ, इसका ये मतलब है कि एवरेज है, एवरेज क्लियर है. ये एवरेज इज अ डिस्टॉर्शन इन आवर कैलकुलेशन. एवरेज हमारी जो रिजल्ट आ रहा है वो एवरेज रिजल्ट आ रहा है, वो जरूरी नहीं है कि हर एक चीज उसी के ऊपर. इस तरह कोई प्राइस, किसी की प्राइसेज हो सकते बड़ी हो, किसी की प्राइसेज हो सकते पिछले साल से कम हुई हो, लेकिन एवरेज आउट होकर आपको बता रहा है कि जी कि दिस इज हाउ द इन्फ्लेशन हैज इफेक्टेड. देन प्राइसेस के अंदर फर्क सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से नहीं आता, प्राइसेस के अंदर फर्क आपकी क्वालिटी ऑफ गुड और सर्विसेज के अंदर चेंज की वजह से भी तो आ सकता है. दूध की कीमत पहले 100 रुपया थी, अब 110 रुपये हो गया. अब ग्वाले ने दूध के अंदर पानी मिलाना कम कर दिया हुआ है, ओवरऑल लोगों की क्वालिटी अच्छी हो गई है, फूड अथॉरिटी वालों ने छापे मारने शुरू कर दिए हैं, तो अब ग्वालों ने उसकी कीमत बढ़ा दी. इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइसेस इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी हैं या डिमांड और सप्लाई के अंदर या कोई और, इसका फर्क यह है कि आपकी इकोनॉमी में कुछ और फैक्टर्स की वजह से, क्वालिटी ऑफ गुड सर्विस की वजह से भी प्राइसेस बढ़ सकती हैं. लेकिन जब हम सीपीआई के अंदर डिस्कस करते हैं तो हम उस फैक्टर को निग्लेक्ट कर देते हैं, हम सिर्फ सारे के सारे जो प्राइस चेंज है उसको इन्फ्लेशन के खाते में ही डाल देते हैं. ऐसा ही है ना, दूध की कीमत अगर 100 रुपये थी, इस साल 110 हो गई है, तो हम तो ये नहीं कहेंगे इसमें से 4 रुपए इन्फ्लेशन की वजह से बढ़े और 6 रुपए क्वालिटी की वजह से बढ़े, ऐसे तो नहीं होता. इसमें कैलकुलेशन कर नहीं पाते हम सीपीआई के अंदर. सो इस वजह से भी हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सारी की सारी प्राइस चेंज को इन्फ्लेशन के खाते में डाल देता है, जो कि एक लिमिटेशन है, हम कर नहीं सकते उसके अंदर चेंज. और इंडेक्स नंबर प्रॉब्लम, इंडेक्स नंबर प्रॉब्लम भी है जी. इंडेक्स नंबर की जो अपने प्रॉब्लम है कि आप बेस ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अगर बेस ईयर चेंज हो जाए तो फिर क्या है, और बेस ईयर बढ़ गया था, कम हो गया था, बेस ईयर अनएक्सपेक्टेड ईयर था. फॉर एग्जांपल बेस ईयर में प्राइसेस बहुत ज्यादा छूट की हुई थी और आप उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि कम है, तो वो दैट इज अ डिबेटेबल इश्यू. तो बेस ईयर के भी प्रॉब्लम है. तो लिमिटेशन ऑफ सीपीआई के अंदर एक तो फुली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है क्योंकि एवरेज है, दूसरा इसके अंदर क्वालिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज को आइडेंटिफाई नहीं करते, वो सारे के सारे खाता हम इन्फ्लेशन के खाते में डालते हैं चेंज को, तीसरा बेस ईयर जो है वो हमारे लिए एक इशू है कि बेस ईयर अगर अनएक्सपेक्टेडली खराब हो या चेंज हो तो उससे बाकी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं. क्लियर है जी. टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं. लो इन्फ्लेशन क्या है, लेस देन 5% इन्फ्लेशन अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर है तो उसको हम लो इन्फ्लेशन कहते हैं. फिर हाई इन्फ्लेशन,
हाई इन्फ्लेशन 60 से 100% के दरमियान अगर आपकी प्राइसेज जो है में वेरिएशन है ओवर द पीरियड तो उसको हम हाई इन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? हाइपर इन्फ्लेशन है बेतहाशा थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ टाइम आपकी एनुअली प्राइसेस चेंज हो रही है। इस तरह का भी होता है? हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन को देखी हमने? वाह बिल्कुल, हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन कई जगहों पे नजर आ जाती है जब आपकी अनएक्सपेक्टेड कंडीशनैलिटीज होती हैं, जब आपकी इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं होती, इकोनॉमी में अनएक्सपेक्टेड फियर मौजूद है, उसके अंदर प्राइसेस वही जो आटा 10 रुपए या 30 रुपए किलो मिलता है अगर स्केर्सिटी हो जाए, अगर कोई वार लग जाए तो यही आटा शायद हमें 300 रुपए या 400 रुपए या 3000 रुपए में भी मिल सकता है। इसी तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज भी कई जगहों पे हमने देखा है, जिम्बाब्वे उसकी एग्जांपल लेते हैं, जिसके अंदर आग की प्राइसेस वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीज ड्यू टू दी पॉलिसीज ऑफ दी नेशन। क्या आपने इतने ज्यादा करेंसी नोट इशू कर दिए कि जो करेंसी नोट्स के जरिए से एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट था वो वैल्यू ही सेटल नहीं हो पा रही थी। सर्कुलेशन में कितनी मनी इन सर्कुलेशन है वो आइडेंटिफाइड नहीं, और बहुत ज्यादा आपने मनी इन सर्कुलेशन कर दी, उससे क्या हो गया? आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स तो उतनी नहीं है ना। अगर मैं आप सब तो कहूं कि यार सब 10-10 लाख रुपया पूरे पाकिस्तान में हम हर एक को 20-20 करोड़ रुपया दे देते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? पूरे पाकिस्तान में हर शख्स को 22 करोड़ की आबादी को 22 करोड़ को हम 20-20 करोड़ रुपया दे देंगे तो क्या होगा? हमारे रुपए की कदर गिर जाएगी, वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्रीज ड्रास्टिकली। क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि सब लोग लेके जाएंगे, अब पैसे हर शख्स के पास मौजूद होंगे, मार्केट में जाएगा, चीजें तो उतनी ही है, उतनी ही चीजें हैं, पानी की बोतल लेने जाएगा फिर भी उतनी ही है, आइसक्रीम लेने जाएगा चीजें तो उतनी है, अब चीजों की कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी, वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्रीज ड्यू टू अननेसेसरी सर्कुलेशन ऑफ मनी, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने से वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होगी। हमने जो अभी पिछला भी पढ़ा है फिशर इक्वेशन, उसमें भी हमने ये देखा था कि जनाब आप डबल द सप्लाई डबल द प्राइसेस, क्या वजह थी? हम सप्लाई को डबल कर रहे हैं लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो उतनी ही है ना भाई, प्रोडक्ट्स तो ऊपर से नहीं उतरनी, आइसक्रीम किसी को चाहिए वो तो और एकदम से डबल नहीं हो जानी आइसक्रीम की प्रोडक्शन, आपको घर चाहिए एकदम से डबल नहीं हो जाने घर की प्रोडक्शन, आपको स्कूल चाहिए एकदम से डबल नहीं हो जाने, तो क्या होगा? थोड़े प्रोडक्ट्स होंगी, ज्यादा लोग उसको चेज कर रहे होंगे, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू प्रोडक्ट दैट विल कॉज द इन्फ्लेशन। और जहां पे जैसे जिम्बाब्वे में उन्होंने किया कि सरकारी जो स्टाफ था जो सरकारी मुलाजिम थे उनको तनख्वाहें दे देते थे पैसों के अंदर और अच्छी खासी ज्यादा पैसों के अंदर तनख्वाहें देते, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो उनकी जो मनी की वैल्यू थी वो बहुत कम होगी, वो बेचारे अपने पैसे शापरों में बोरू में भर के लेके जाते थे एक डबल रोटी की का प्रोडक्ट लेने के लिए। तो आपके सामने हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी आ जाती है जी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी विल डिक्रीज, वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग दी सप्लाई ऑफ द मनी, ये हमने अभी पिछले क्लास में पढ़ लिया।
So the different types of inflation hai, low inflation, high inflation, hyperinflation. Hyperinflation ke baad phir deflation. Deflation kya hai? Prices decrease ho rahi ho. Prices decreasing trend, deflationary trend ke upar hai. Aapki logon ke andar sakat nahi hai product purchase karne ki. Prices jiski wajah se demand nahi hai aur supply maujood hai, prices kam hoti ja rahi hai. Deflationary condition. Japan ki example hai, jahan pe log maujood nahi hai consumption ke liye, wahan ki abadi kam hoti ja rahi thi aur abadi ki kami ki wajah se demand kam hui, demand ki wajah se unki supply maujood thi lekin economy ke andar consumption nahi thi, to aapki prices decreasing trend pe chalti. Deflation hum type of inflation ke andar hi padh rahe hain, prices decrease ho rahi hain jahan pe, usko hum deflation kehte hain. सीधा का ख्याल है ये तो इन्फ्लेशन के अपोजिट हुआ डिफ्लेशन, तो हम इसको यहाँ पे क्यों पढ़े, तो हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर ही पढ़े. अच्छा जी, स्टैगफ्लेशन क्या है जी? स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ कंबाइंड विद हाई एम्प्लॉयमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है, लीडिंग टू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. इकोनॉमिक साइकिल्स के अंदर पढ़ा था कि आप डाउनवर्ड ट्रेंड जब शुरू होता है, स्टैग्नेशन, हाई इन्फ्लेशन एंड रिड्यूस्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. लोग क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हाई हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करनी छोड़ देंगी, डिमांड बढ़ रही होगी लेकिन आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, जिसकी वजह से प्राइसेस तो बढ़ रही हैं लेकिन साथ ही आपकी जीडीपी भी नहीं बढ़ रही और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है. अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है, जीडीपी भी नहीं बढ़ रही. जी अलीशा का ख्याल पूछ रही है कि जापान में पॉपुलेशन कम कैसे होगी थी. जापान का एक प्राइस पॉपुलेशन कंट्रोल किया उन्होंने, और जापानी जो भी काम करते हैं वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कर लेते हैं. तो इस वक्त भी जापान का एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया, दूसरी उनका जो लाइफ का स्पैन है वो बड़ा है. तो दो तरफ से उनको मसला हुआ कि जो इनफ्लो था पॉपुलेशन, नई पॉपुलेशन आने का, वो कम हो गया और डेथ जनसी है वो रिड्यूस हुई. तो उससे क्या हुआ कि आपका जो कंज्यूमर बेस होती है वो यंग पीपल होते हैं. कंज्यूमर बेस आपकी इकोनॉमी के अंदर, जो ओल्ड पीपल है वो उस तरह की कंजम्पशन नहीं करते, उस तरह की इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी परफॉर्म नहीं कर रहे होते. तो इकोनॉमी उस जापान के अंदर फिर एक प्रॉब्लम आ गया, उनकी जो डिवीजन ऑफ देयर पॉपुलेशन एज दैट वाज वेरी अलार्मिंगली प्रॉब्लमेटिक. इस वक्त भी जापान सबसे ज्यादा बूढ़े लोगों की रिहाइश का है. एवरेज एज ऑफ जापान इज हाईएस्ट, तो उस वजह से पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा आ गई और वो कर दिया. अच्छा जी, वेज स्पिरल इन्फ्लेशन, इसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर देख लेते हैं. और माइल्ड इन्फ्लेशन क्या है कि स्लोअर डिग्री पे है लेकिन इन्फ्लेशन हो रही है. स्लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन 2-4%. माइल्ड इन्फ्लेशन अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ के लिए जरूरी होती है कि इतने लेवल की इन्फ्लेशन रहे, ये इंसेंटिवाइज रखेगी लोगों को प्रोडक्शन करने के लिए, लोगों को मजीद अपने टाइम और एफर्ट्स देने के लिए. माइल्ड इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है. अच्छा जी, हम पहले कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन देख लेते हैं. इन्फ्लेशन के अंदर हमारे पास
दो कॉजेज है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन करते हैं उन प्रोडक्शन की प्राइसेस बढ़ गई हैं, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई है और जो प्रोड्यूसर्स हैं उन प्रोड्यूसर्स को अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ाना पड़ गई हैं। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एग्जांपल क्या है, वेजेस बढ़ाने, वेजेस में इजाफा करेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जागो 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 सुबह हो गई। हाँ जी हेलो, आवाज आ रही जी, चले कोई ना कोई तो जाग रहा है। वेजेस बढ़ेंगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, यूटिलिटीज की कीमतें बढ़ेंगी, बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, प्राइसेस बढ़ जाएंगी। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज रिलेटेड टू लिंक टू योर price of raw material, your price of factor of production, rent बढ़ गया, आपकी cost push inflation हो जाएगी, profits के लिए लोगों ने interest बढ़ गया, सूद बढ़ गया, cost push inflation हो जाएगी। तो आपकी ये जो मामलात हैं जो कि आपके relate करते हैं cost of production के साथ, इनके अंदर अगर variation आएगी तो that will कॉल एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इकोनॉमी के अंदर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ये बायस बनेंगे। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एग्रीगेट डिमांड की बात करें, जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस ना कर सके और एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो गया तो आपकी इकोनॉमी के अंदर डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी। ये कैसे हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर नंबर ऑफ पर्सन पॉपुलेशन में इजाफा हो गया, हमारी कंजम्पशन के अंदर इजाफा हो गया, कंजम्पशन लेवल के अंदर इजाफा हो गया, लेकिन प्रोड्यूसर उसके मुताबिक गुड्स प्रोड्यूस ना कर सके तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली टू कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन है, two types of causes of inflation, one is cost push inflation, other is demand pull inflation. cost push inflation kya hai, yahan pe dekhte hain cost push inflation, this is where cost of input in product increases, so in order to preserve profit margin, to preserve profit margin a firm will push up the final price of the good. There are some inputs that affect a number of different product categories and so contribute greatly to inflation, जैसे पेट्रोल की प्राइसेस, डॉलर का रेट, इंपोर्ट प्राइसेस, ये इनपुट सब प्रोडक्ट्स को, ज्यादा प्रोडक्ट्स को असरअंदाज करेंगी तो इससे अंदर को चेंज आती है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। ऑयल प्राइसेस 1970 प्राइस इन द यूएसए इंक्रीज ड्रास्टिकली, दिस मीन दैट एनी प्रोडक्ट दैट रिलाइड ऑन ऑयल, जैसे हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है जी, यहाँ पे देखें वी वर ऑन long short run aggregate supply, this prices increase होने की वजह से क्या होगा, आपकी cost push inflation हुई, आपकी cost of production बढ़ी, cost of production बढ़ने की वजह से क्या होगा, अब लोग willingly देंगे इस price के ऊपर इतनी product purchase sale करने के लिए, supply करने के लिए, so ultimately they will shift prices increase करने के लिए shift करना पड़ेगा और वो prices increase करने के लिए shift आपकी short run aggregate supply curve will shift like this, और अगर prices फिर भी बढ़ गई होंगी आपकी production level की, उससे आपकी general price level बढ़ गई
प्रोडक्शन की प्राइसेस बढ़ रही होंगी आपकी, फिर दो आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन विल कॉज इंक्रीज इन प्राइसेस जनरल प्राइस लेवल थ्रू दिस मैकेनिज्म. एग्जाम्पल कौन सी हैं? सेवरल रीजन, लेबर कॉस्ट जो हमने वेजेस को देखा, एक्सपेक्टेशन एंड इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन पे भी प्रोड्यूसर्स को लगता है कि जी के जो हम आज चीजें बेच रहे हैं अगले साइकिल के अंदर हमें इसके अंदर ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन हो जाए तो भी वो ज्यादा प्राइस डिमांड करना शुरू करेंगे अपनी सप्लाई करने के लिए. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑल्सो एन कंपोनेंट एंड रीजन फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कंपोनेंट कॉस्ट जैसे रॉ मटेरियल वगैरह है वो अगर आपके बढ़ जाता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है, हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस हायर हो जाते हैं, जैसे सेल टैक्स बढ़ा दिया जाए तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को लाहित करेगा. और कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट राइजिंग, एक्सचेंज रेट अगर आपका डॉलर जितना से हम डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारे कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स बढ़ रही है, तो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स बढ़ने से हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इकोनॉमी को अभी भी करंटली हिट किया हुआ है. अच्छा, वो जो हम वेज प्राइस स्पिरल की बात कर रहे थे कि होगा क्या, वेज प्राइस स्पिरल क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो लेबर है वो क्या कहता है, लेबर कहता है कि भाईजान पिछले साल इन्फ्लेशन थी, लास्ट ईयर प्राइसेस वाज 100, करंट ईयर प्राइसेस हैज इंक्रीज टू 110. दैट मीन फॉर एग्जांपल 10% इन्फ्लेशन हो गई है. आप मुझे मेरी वेजेस के अंदर प्राइसेस, आप मुझे मेरी वेजेस के अंदर इजाफा करें, जो मेरी वेजेस थी 100 इसको भी 110 कीजिए ताकि मेरा ये जो इन्फ्लेशन का गैप था ये मैं गैप कवर कर लूं. ऐसे ही करते हैं ना कि जी बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, बच्चों की फीसें बढ़ गई हैं, पेट्रोल बढ़ गया है, घर का किराया बढ़ गया है, तो इन्फ्लेशन हो गई है. तो इन्फ्लेशन की वजह से वो लेबर आती है, लेबर फोर्स आती है, वो कहती है कि आप मुझे कंपनसेट कीजिए और मुझे 110 रुपये मेरी वेजेस कर दें करंट ईयर के लिए अंदर, ताकि मैं अपना मामले को आगे बढ़ा सकूं. लेकिन जब करंट ईयर में आपने 110 किया तो अगले साल क्या होगा, अगले साल प्राइसेस हमने देखा है कि ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का बायस बनेगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का बायस बनेगा, ऐसा ही है ना. तो आपकी जनरल प्राइस 110 पे शायद पहुंच जाएगा, तो फिर क्या होगा, दोबारा से लेबर आएगा, वो कहेगा जी कि ये देखें आप तो करंट ईयर में तो 120 हो चुका हुआ है, अब 10% 20% और इजाफा हो गया, आप मुझे मेरी 110 की चीज दे दी, आप भी ये भी मुझे 120 करें ताकि. तो ये कंटिन्यूसली विद द इंक्रीज ऑफ वेजेस वी विल बी हैविंग दिस सिचुएशन जहां पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से जनरल प्राइस लेवल में मजीद इजाफा होता जाएगा. वेजेस में इजाफा करके लेबर ये समझता है कि हम अपनी इन्फ्लेशन को कंपनसेट कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लेबर को ही वो इजाफा पे करना पड़ रहा होता है थ्रू द राइज इन प्राइसेस. वो प्राइसेस में क्योंकि प्रोड्यूसर्स तो वेजेस अगर ज्यादा देंगे तो अपनी प्राइसेस को बढ़ा देंगे और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का बायस बन जाएंगे. और अगर ये कहें कि नहीं सर ये देखें अगले साल में भी इतना पैसे आने लगे, आप मुझे 150 कर दें अगले साल की भी इन्फ्लेशन को मुझे कंपनसेट करें, तो ये लेबर अपने तौर पे समझदारी का मुजाहरा कर रहे होंगे, लेकिन ये समझदारी का मुजाहरा नहीं होगा. वेज प्राइस स्पिरल, वेज बढ़ेगी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी, वेज बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगी, वेज बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगी, एक सर्कुलर फ्लो बन जाएगा वेज और प्राइस के दरमियान में. वेजेस बढ़ाई प्राइस बढ़ गई, वेजेस बढ़ाई प्राइस बढ़ गई, कभी भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा. इसी वजह से इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का या
आपके लेबर को इन्फ्लेशन की कंपनसेशन देने का ये तरीका नहीं है कि उसकी वेजेस के अंदर इजाफा कर दें, क्योंकि वेजेस में इजाफा अल्टीमेटली आप प्राइसेस के अंदर दोबारा से डाल देंगे. दिस इज कॉल्ड वेज प्राइस स्पिरल. एन इफेक्ट वेयर बाय अ राइज इन वेजेस इंक्रीजेस द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल विच देयरफॉर इंक्रीजेस डिमांड फॉर गुड. अब वो जो कॉस्ट पुश भी आ गया और डिमांड पुल भी आ गया, इंक्रीजिंग प्राइसेस. The rising prices, inflation caused grave demand for higher wages, therefore increasing disposable income and so on. So, wo impact aapka chalta rahega wage price spiral ki surat mein. Demand pull inflation, demand pull aapne dekh liya hai aur ye demand was here. कंजम्पशन वगैरह बढ़ी, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, डिमांड इंक्रीज गई, लेकिन प्राइसेस के अंदर इजाफा आप इधर देख सकते हैं. दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. और डिमांड पुल इन्फ्लेशन की रीजंस क्या हो सकते हैं? फिस्कल स्टिमुलस, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए टैक्स कम कर दिया, फिस्कल गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग ज्यादा कर दी फिस्कल स्टिमुलस के जरिए से. मॉनिटरी स्टिमुलस, आप इंटरेस्ट रेट को कम कर दें, मॉनिटरी स्टिमुलस. और डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, इंपोर्ट कम हो जाएंगी एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट करने से, तो वो भी आपको एग्रीगेट डिमांड बनाएगा. फास्ट ग्रोथ इन अदर कंट्रीज, जैसे पाकिस्तान के एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है अगर अफगानिस्तान के अंदर तेजी के साथ करंट ग्रोथ हो, तो उसका भी इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे आएगा. डिमांड फुल इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करेगा जी. इसको जरा काइंडली ध्यान से देखिएगा, कोई अगर क्वेश्चन हो, कोई अंडरस्टैंडिंग का इशू हो, वो जरूर बस जरूर डिस्कस करें. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अल्लाह हाफिज़.